भारत के अंदर में कितने अनगिनत मंदिर है, कितने करोड़ों की भूमि पर है, यहाँ ही नहीं समझ लो भारत भर की बात करती, इनको अलाटमेंट अपना अक्षरधाम मंदिर है कितने रुपए में उनको अलाट कर दिया है। तो यमुना के फ्रंट इतनी करोड़ की जमीन कितने रुपए में दी इनका बताइए ना। यानी बोध की व्यवस्था पर ये सामाजिक कार्य करने वाले ये शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति के सबसे ज़्यादा बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं और उन्होंने यहाँ सामाजिक कार्य चालू कर दिया, तो इनकी जो दिमाग की जो ये नसें हैं ना ये हिलने लगी और धुआं उठने लगा कि ये क्यों हो रहा है। इसी के साथ जातिवादी सरकार ने और ये बौद्ध विरोधी सरकार ने इस प्रकार का इन लोगों को नोटिस थमा कर इनके बीच में हलचल पैदा कर दी और नोटिस बार बार सील करने के लिए आ रहे हैं। तो बताइए आज तक कितने मस्जिदों में गए, ये मंदिरों में गए हैं, अगर ये सरकार है तो कितने मंदिरों में इन्होंने ताले लगवाए हैं, कितनी अनगिनत प्राचीन मंदिर है वो प्राचीन आज बनता वो प्राचीन लिखा जाता है और ईमानदारी के साथ इन्होंने कोई कब्जा नहीं किया और पैसा है बकाया था। तो आज तक ये इनके ऑफिसर क्या नींद में थे? नोएडा सेक्टर 11 का ये बोध विहार है, चूँकि इस बोध विहार के गेट पर नोटिस लगा दिया है, इसको सील किया जाएगा ऐसा कहा जाता है और करीब 4.25 करोड़ रुपए बनता है इस बोध विहार पे, जो जमीन अलॉटमेंट की गई थी उसका पैसा बकाया है, जुर्माना लगा करके चक्रवृद्धि ब्याज लगा करके ये रकम बहुत ज़्यादा हो गई है, जिसको लेकर हलचल मची हुई है पूरे बोध विहार में। पूर्णिमा जी क्या लगता है, बोध विहार बचेगा आपका? बचेगा क्यों नहीं बचेगा, क्या अपराध किया है? जमीन परचेज की सोशल एक्टिविटी में काम चल रहा है, समाज निर्बल था और जमान लेने के बाद ना तो उन्होंने नोटिस किया, अगर पहले नोटिस है वो ब्याज के ऊपर ब्याज बढ़ाते गए, 14 लाख की जमीन 14-15 लाख की, आज उन्होंने 4 करोड़ के लगभग का नोटिस थमा दिया है। तो ये तो ये अनहित, ये आपने हमारे लिए तो अहियत की तो बात है, पर सरकार ने भी इतना बड़ा जुर्माना सोशल जो सामाजिक इसमें लगाना ये भी गलत बात है। सरकार ने इतना बड़ा ब्याज क्यों लगा, पैसे पहले कहाँ गए थे, इतने साल तक उन्होंने नोटिस क्यों नहीं थमाया? ये सामाजिक है, सामाजिक कार्यों में हो सकता है भूल हो जाती है, ये बात नहीं है, पर इतनी बड़ी जुर्माना करना और वो सील करने की बात है। लेकिन पैसा पूरा जमा नहीं कर पाए आप लोग, इसलिए वो जुर्माना लगा है? हाँ पूरा नहीं जमा, पर हमने अभी तक तो पैसा जमा करने पड़ेगा पूरा, 14-15 लाख तो जमा कर चुके हैं, जो जिनकी जमीन थी उतना तो कर दिया है, आखिर इनका इन्होंने इतना बड़ा क्यों ये इसमें भी प्रशासनिक अधिकारी कायदे कानून से काम कर रहे हैं ना, वो भी कायदे कानून से कर रहे हैं, हमारे ऊपर कायदा कानून लगता है, बाकी लोगों पर कायदा कानून कहा जाता है इनका। पूर्णिमा जी ये गौतम बुद्ध के नाम पे, गौतम बुद्ध नगर जनपद है, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी है, स्कूल कॉलेज है, प्रतिमाएं लगी हुई है बाबा साहब की, गौतम बुद्ध की, उसके बावजूद इस बुद्ध विहार पर जो है खतरा मंडराया हुआ है। तो ये है जानबूझकर चाहते हैं कि ये बुद्धों की भूमि यहाँ पैदा ना हो, इन्होंने जो मनुवादी व्यवस्था के लोगों ने ये सारी बातें की है, ये सारा मनुवाद है और मनुवादी व्यवस्था के अंदर में हम तो कहते हैं कि इन्होंने जानबूझकर ये नोटिस थमा दिया और सील लगाने की प्रक्रिया की है। तो लोग सब संघर्ष कर रहे हैं और मैं भी संघर्ष में आई हूँ। ठीक है, लेकिन जब योगी मोदी जी विदेश जाते हैं कहते हैं बुद्ध की धरती से आए हैं, उनको क्या जरूरत है, ये तो नाटक ही करते हैं, नाटक करते हैं, वो नाटक करते हैं, नाटक है उनका, वो कह रहे हैं बुद्ध की धरती से आए हैं, बुद्ध को आगे ले जा रहे हैं, वो तो हिंदू धर्म को सनातनी व्यवस्था को आगे बढ़ाया जा रहा है, बुद्ध से कोई मतलब नहीं है, उनका बुद्ध से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बहुत सारे संगठन है महात्मा बुद्ध के नाम पर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नाम पर, आज वो संगठन कहाँ चले गए हैं, 10 लाख संगठन बताए जाते हैं, ये तो दलाल संगठन है, दलाल है वो लोग, दलाल है, दलाल यहाँ कहाँ आएंगे? लेकिन बुद्ध सोसाइटी ऑफ इंडिया कहाँ है? बुद्ध सोसाइटी ऑफ इंडिया भी आकर काम करेगी, ऐसी बात नहीं है। बौद्ध महासभा कहाँ है? तो आए और काम करे, या दो टुकड़ों में बटी हुई है, दो तीन जगह बटी है, संगठित नहीं है बौद्ध, बौद्ध संगठित है, अरे पीपल ने एक है, पीपल 2014 में
भारतीय बौद्ध महासभा के नाम से हमने काम करते रहे पहले भी। 2014 में उन्होंने क्या है, पीपल ने दिल्ली का रजिस्ट्रेशन अलग किया और रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो पुराने लोग थे उनके पैसे पर और सब पर इन्होंने कब्जा किया, उनको ये किया। आज भी उनकी कोर्ट की चल रहा है। ये पीपल है, उनका नाम सीएम पीपल। 2014 में करने वाला वो काबिज है और बाबा साहब का नाम लेकर लोगों को गुमराह करता। अगर पीपल ने 2014 में दिल्ली प्रदेश भारतीय बौद्ध महासभा रजिस्टर की तो बाबा साहब के अम्बेडकर भवन में उनका ऑफिस क्यों है, ये भी तो प्रश्न उठता है। और इसी के कारण ये लोग थोड़े बटे हुए। लेकिन इतने सारे बौद्धिस्ट हैं पूरे देश में, क्या इतना जुर्माना जमा नहीं कर सकते? जुर्माना जमा कर सकते हैं। बुद्धिस्टों को इन व्यवस्था की पता नहीं था क्योंकि ये जमीन भी सामाजिक कार्यों के लिए खरीदी गई है, बौद्ध विहार के नाम पर नहीं है, ये बात है। अच्छा। हाँ, तो कैसे बचेगा बौद्ध विहार? नोटिस लग गया है खाली करने का। नहीं नहीं बच जाएगा, कैसे नहीं बचेगा? हमने कोई डकैती डाली, इन पर जोर जबरदस्ती नहीं की। पैसे की बात है, लेन देन तो आगे और पीछे चलता रहता है, ये कोई बात नहीं। सामाजिक कार्य है, कोई व्यक्तिगत कार्य नहीं है। सामाजिक कार्यों के जोड़ने के लिए समय लगता है। लेकिन प्लॉट कैंसिल किया जा रहा है नोएडा प्राधिकरण के द्वारा। नोएडा अपराधिकरण के कारण कैंसिल इसीलिए कर रहे भाई, मनु आदि के कारण कर रहे और कोई बात नहीं। मनु आदि व्यवसाय मंदिरों के क्यों भाई कैंसिल नहीं करते? ये बुद्ध विहार है इसीलिए तो कैंसिल करने जा रहे हैं। शक्ति है उन्हें, शक्ति क्या है? प्राचीन मंदिर है वो। प्राचीन मंदिर नहीं है बुद्ध के, उसमें जब व्यवस्था ही नहीं थी, बुद्ध की सारी थी, उन पर हमने बनाते गए। और वो इसीलिए बुद्ध को भी सात समुद्र पार भेजा था, उनको भी बुद्ध को तड़ी पार कर रहा समझ लो। जापान, मलेशिया, कंबोडिया, इन लोगों ने बुद्ध की संदेश को अपनाया, उन्होंने प्रगति की। हमारे यहाँ ब्राह्मणवादी व्यवस्था के वो जो खाने के लाले पड़ रहे थे क्योंकि हवन यज्ञ बंद कर देते, बलि देना बंद हुई थी। गौ मेघ यज्ञ, नर मेघ यज्ञ, अश्व मेघ यज्ञ, घोड़ों की अश्व मेघ यज्ञ के नाम पर बलि दी जाती, गौ मेघ यज्ञ के नाम पर गाय की बलि दी जाती और नर मेघ यज्ञ के नाम से 60 साल हमारे उम्र के वृद्धों की भी बलि दी जाती। और यहाँ पे फिर इनको ये तो पुष्पमित्र शुंग ने जब रहरदत्ता की हत्या करने के बाद 500 घोड़ों की बलि देकर व्यवस्था चलाई। वो लोग यही चाहते हैं कि देश में हिंसा हो और अहिंसा की शिक्षाएं न जाए, इसीलिए बुद्ध के भी व्यवस्था को तड़ीपार कर दिया, जो देश के बाहर कर दिया। बुद्धिस्ट कमजोर है क्या? बुद्धिस्ट कमजोर नहीं है, हमारे बहुत सारे देश है। आज नहीं कल हम यहाँ साथ देंगे और साथ आज भी दे रहे हैं क्योंकि हम तो अभी 15 दिन से दिल्ली के बाहर थे, महाराष्ट्र साउथ और उधर थे, तो आज मैं बहुत देरी से, पर मैं इनसे जुड़ी रही हूँ। आपके आंदोलन करने के बावजूद दिल्ली में रविदास मंदिर तोड़ दिया गया था फिर भी जगह मिली संघर्ष के साथ। 400 मीटर मिली केवल? 400 मीटर मिली, चाहे फिर वो बेईमानी के साथ हमें है ना, संघर्ष से बिना। आपको पता है बाबा साहब अम्बेडकर की जब 26 अलीपुर रोड की जो स्मारक बना है वो कोठी जिंदल की बेची गई थी, जिंदल से हमने कितने साल संघर्ष किए और जेल भी भरने पड़े 6-6 महीने तक। और ऐसे स्थिति में कई सालों बाद वो 26 अलीपुर रोड की कोठी गवर्नमेंट ने आखिर जुर्माना भर के 6 करोड़ 8 करोड़ 86 लाख रुपए देकर, उतनी ही जिंदल को जमीन देकर उनको बाहर करके हम लोगों को वापस कर दी। आज बाबा साहब का स्मारक बना हुआ है। तो यही है कि ये जमीन भी नहीं जाएगी और इन जमीन को जुर्माना भी भरना पड़ेगा, पर इनको जुर्माना कम करना पड़ेगा। और हमके हैंडओवर अभी भी हमारे अंडर में है और कल भी हमारे पास रहेगी। लेकिन लोग कह रहे हैं कि पार्कों में बहुत सारे मंदिर है, थाने कोतवाली में मंदिर है, जो सब जगह मंदिर बने हुए हैं, पार्कों में मंदिर है, उनके लिए तो कभी नहीं बोलते इस तरह से? हाँ, वो नहीं कहते क्योंकि व्यवस्था उनकी, सरकारें उनकी हैं और यही सरकारें उनकी हैं, मनुवादी सरकारें हैं। तो अम्बेडकरवाद नहीं चाहते, बुद्ध विहार से अम्बेडकरवाद जाता, बाबा साहब अम्बेडकर ने धम्म दीक्षा ली थी और वो उनको चीड़ अम्बेडकरवाद से है ना कि इससे है, क्योंकि यहाँ अम्बेडकरवादी लोग अपने चर्चा न करें, यहाँ से जागरूक न हो जाएं और हो सकता कल सत्ता में काबिज न हो, इसीलिए सारे व्यवस्था पर दंड दे रहे और कोई बात नहीं है।